नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज दूसरी बार ईडी ने समन भेजकर ईडी दफ्तर बुलाया था, पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। इधर सीएम के ईडी दफ्तर नहीं पहुंचने पर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है, जबकि कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। झारखंड में मानो ईडी ने डेरा ही डाल दिया हो। झारखंड सरकार के मंत्री, विधायक, नेता, अधिकारी कोई भी ईडी के प्रकोप से बच नहीं पा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूसरी बार ईडी ने समन भेजकर बुलाया था, पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं गए, बल्कि उनकी एक चिट्ठी ईडी कार्यालय पहुंची है। सीएम ने कहा है कि वह समन पर कानूनी सलाह ले रहे हैं। इस पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि सीएम ईडी के साथ लुका छिपी खेल रहे हैं। वह अगर निर्दोष हैं तो उन्हें डरना नहीं चाहिए, उन्हें ईडी कार्यालय पहुंचकर ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए। इधर ईडी के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस मुखर होकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग कर रही है। गैर बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी यहां हथकंडा अपनाकर सरकारों को अपदस्त कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन पर कानूनी सलाह ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस मुद्दे पर कोर्ट जाने की बात कहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह समझना होगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और ईडी के साथ जो आंख मिचौली खेलने की कोशिश की जा रही है कि दूसरी बार समन करने के बावजूद आज ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे पूछताछ के लिए, तो एक आम नागरिक के मन में संदेह उत्पन्न होता है कि मुख्यमंत्री के मन में कुछ खोट है जिसको वो छुपाना चाहते हैं। और एक तरह से कहें तो ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाएं तो राज्य से भ्रष्टाचार का खात्मा करना चाहती है, वैसे लोग जो राज्य को खोखला कर रहे हैं, लूट रहे हैं, उनको साफ करना चाहती है। तो मुख्यमंत्री से सिर्फ इसी बात की जानकारी लेनी है कि जिस राज्य के आप मुख्यमंत्री हैं वहां कुछ लोगों ने लूट मचा रखी है, चाहे इलीगल माइनिंग का मसला हो, जमीन का मसला हो, अन्य जहां कहीं भी हाथ डालें इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं, तो ईडी वही जानना चाहती है कि ये कौन लोग हैं, कौन संरक्षण दे रहा है इनको और किसके सह पर ये लोग इस तरह से बेखौफ होकर लूट मचा कर रखे हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को सहयोग करने की आवश्यकता है ईडी के साथ, और सारी बातें अगर सामने आ जाए तो मैं समझता हूँ कि राज्य से जो भ्रष्टाचारी हैं उनको भगाने में भी मदद मिलेगी।